हेलो एवरी वन वेलकम टू वी पी डी अपाउड बाई अभिमन माई नेम इज ब्रिजेश एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच कैन बी सीन इन द पंजाब प्रिंसिपल एग्ज़ाम राइट सी फ्रेंड्स आप सभी को पता है जो पहले एग्जाम हुआ था पंजाब प्रिंसिपल के का तो उसमें इंग्लिश का के क्वेश्चन और पंजाबी लैंग्वेज के क्वेश्चन नहीं थे बट क्योंकि ये जैसे सिलेबस में मेंशन किया है तो और कभी भी हमें अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो हमें सिलेबस के अकॉर्डिंगली तैयारी करनी पड़ती है राइट right? तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम इस क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं ओके देखिए टोटल जो एग्ज़ाम है वो अराउंड हंड्रेड मार्क्स का होगा और उसमें नूमेरिकल एबिलिटी न्यूमेरिकल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे इंग्लिश के क्वेश्चन हैं मोस्ट प्रोबेबली पाँच से लेकर दस तक इंग्लिश के क्वेश्चन आने की उम्मीद है राइट right? तो देखिए अब जैसे इंग्लिश में कि प्रेपरेशन के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो क्या क्या हो सकते हैं सिनोनिम्स के क्वेश्चन आ सकते हैं दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हमें एक सेंटेंस दे दिया जाएगा जिसमें हमें बताना होगा कि उस सेंटेंस में क्या एरर है और या फिर जैसे नीचे ऑप्शन होंगे उनमें से चार ऑप्शन में से हमें सेलेक्ट करना है कि सेंटेंस यहाँ पे सेंटेंस में क्या इम्प्रूव कर सकते हैं राइट तो चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं राइट सो so सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन है एक देखिए यहां पे हमें क्या बताना है अपोजिट वर्ड बताना है राइट सो वी हैव द वर्ड एबल सो एबल का अपोजिट हमने यहां पे बताना है तो एबल का अपोजिट क्या होगा देखिए राइट right. सो so, देखिए यहां पे जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम एबल टू डू दिस राइट सिमिलरली इसका अगर हम अपोजिट देखें एग्जैक्ट अपोजिट देखें तो बनता है अनेबल राइट right? तो आंसर यहां पे क्या आएगा सी अब देखिए बाकी जो ऑप्शन है मेरे पास मिजेबल कोई वर्ड नहीं हो, होता नहीं है ये कोई वर्ड और डिसेबल का क्या मीनिंग होता है जैसे डिसेबल एक वर्ब है जैसे किसी चीज को को डिसेबल करना राइट right? तो ये इसका यहां पे आंसर एबल का आंसर यहां पे डिसेबल नहीं हो सकता सिमिलरली इनेबल का का हम मीनिंग देखें तो इनेबल होता है टू इनेबल समथिंग राइट ये भी एक वर्ब की तरह है बट यहां पे जो हमें आंसर सेलेक्ट करना है दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द वर्ड एबल सो राइट आंसर विल बी अनेबल ओके सो लेट सी नेक्स्ट क्वेश्चन गिव द अपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइं वर्ड राइट सो हमें यहां पे इसका जो ये वर्ड जो गिवन है द वर्ड विच इज अंडरलाइंट आई नीड टू फाइंड इट्स अपोजिट राइट सो अपोजिट मीनिंग हमें यहां से ढूंढना है तो क्या होगा यहां पे देखिए फॉर एग्जाम्पल आई हैव ऑप्शन नंबर वन इज हेल्दी रिस्पेक्टफुल इन एडवीकेट एंड स्मूथ आई हैव फोर ऑप्शन द सेंटेंस इज दो हिज व्यू इज करेक्ट राइट हिज बिहेवियर वॉज इंपर्टिनेंट राइट सो इंपरटे इंपरटेनेंट का जहां पे जो मीनिंग है दैट इज के समवन हु इज डिसपेक्टफुल और समवन रूड, आई गेस गॉट इट तो यहां पे देखिए यहां पे क्या आएगा फिर यहां पे, सो so, एमपर्टिनेंट का हमने क्या करना है यहां पे अपोजिट वर्ड फाइंड करना है तो अपोजिट क्या होगा रेस्पेक्टफुल राइट सो राइट आंसर इज बी हेयर Let's move to question number three. Again, we have been given a sentence, and uh, we need to find a opposite meaning of the underlined words. Right. So first, we see sentence: The manager is tactful and handles the workers' union very effectively. Right. So the sentence is. The manager is tactful, right, and handles the workers' union very effectively. So, what can be our answer here? See, we need to find opposite meaning here, right? So, tactful is something like. हु इज स्किलफुल हु इज एबल टू हैंडल वर्कर्स यूनियन तो यहां पे इसका अपोजिट क्या होगा जिसको हैंडल नहीं करने आते या जिसमें पर्टिकुलर कोई स्किल नहीं है तो आंसर क्या होगा फिर यहां पे सो so इसका जो अपोजिट हो वो डिसिप्लिन नहीं हो सकता लूज नहीं हो सकता स्ट्रिक्ट भी नहीं हो सकता सो आई गेस द राइट आंसर विल बी नेव एंड नेव जो होता है नेव किसको कहते हैं हम हु इज नॉट स्किल्ड या जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है तो टैक्टफुल का आंसर क्या आएगा यहां पे नेव बिकॉज वी नीड टू फाइंड अपोजिट मीनिंग हेयर राइट नेक्स्ट क्वेश्चन सर सो बिफोर प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव सम इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट देखिए हमारी जो अभी पीडिया की टीम ने पंजाब प्रिंसिपल के लिए एक स्पेशली क्राफ्टेड टैक्स सीरीज निकाली है राइट right? जिसमें आप सभी को 30 टेस्ट मिलते हैं 20 टेस्ट आर सब्जेक्ट वाइज एंड 10 टेस्ट आर फुल मॉक टेस्ट ओके एंड वी हैव सेकंड टेस्ट सीरीज फॉर द सेम इन विच वी हैव 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट ओके, सो एट दिस टाइम ये जो सीरीज टे, टेस्ट सीरीज है ये आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी यू विल गेट टू नो एक आपको रियल एग्जाम की जो फीलिंग है वहां पे आएगी और आपको पता आपको जैसे पता लग जाएगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं राइट सो यू ये आप टेस्ट सीरीज आप इस टेस्ट सीरीज से अच्छी प्रेपरेशन कर सकते हो राइट नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज फाइंड आउट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो सो इन द प्रीवियस क्वेश्चन हमें अपोजिट वर्ड ढूंढना था बट यहां पे हमने जो है अप्रोप्रिएट वर्ड यानी कि ऑलमोस्ट सेम मीनिंग वाले जो वर्ड हमने ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है एंड माई वर्ड हेयर इज वर्ड इज चैटल ओके सो वट इज चैटल जिनकी बैकग्राउंड देखिए अकाउंट्स की है उनको इसके बारे में अच्छे से पता होगा राइट चैटल एक चैटल एक तरह से एसेट या प्रॉपर्टी या जैसे हम अपनी बिलोंगिंग्स कह सकते हैं तो चैटल एक ऐसी एसेट या प्रॉपर्टी होती है विच इज मूवेबल विच इज अदर देन फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग और प्रॉपर्टी प्लॉट एक्सेट्रा तो चैटल जो है वो हम मूवेबल पर्सनल पोजेशन है राइट सो राइट आंसर हेयर इज ए सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड from the choices given below again we need to find appropriate meaning of the given word right and the word is subponia देखिए जो सब पोनिया है इस वर्ड का मीनिंग होता है जैसे समन्स राइट right? किसी को कोर्ट में से समन भेजना तो सब पोनिया जैसे इसका मीनिंग आता है समन्स सो राइट आंसर इज सी हेयर सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सिक्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन राइट सो वी हैव ए सेंटेंस हेयर राइट right? सेंटेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया है फिर यहाँ से पूछा गया है कि सेंटेंस के बाद जो आंसर हो हमारा होना चाहिए वो क्या हो सकता है ओके सो वी आर प्रेजेंटेड विद ए सेंटेंस हेयर क्वेश्चन हेयर बेसिकली और उसमें हमसे फिर आगे पूछा गया है कि इसके बाद जो दूसरा बंदा आंसर देगा वो क्या हो सकता है सो so इनमें से ऑप्शन हो सकती है क्वेश्चन इज डिड यू हैव लंच एट होम यस्टरडे टू गैस तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल संबोडी आस्मी डू यू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक देन माई आंसर विल बी इफ आई गो टू मॉर्निंग वॉक राइट डू यू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक देन माई आंसर विल बी यस आई डू इफ संबोडी अष्टमी डू यू डू यू स्टडी देन माई माई आंसर विल बी इफ आई स्टडी देन माई आंसर विल बी यस आई डू ओके इन शॉर्ट में रहती है बट जो आंसर आता है वो यस आई डू और यस नो आई डोंट ऐसे रहता है दैट मीन्स के हम जो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ग को उठाते हैं मेन वर्ब को नहीं उठाते हैं ओके okay, तो इस केस में देखिए क्या आंसर होना चाहिए डिड यू हैव लंच एट होम यस्टरडे सी इन द फर्स्ट सेंटेंस आई नो आई हैव नॉट यह आंसर कब हो सकता है फॉर एग्जाम्पल अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करता है डू यू हैव एनी बुक ऑन इंग्लिश अगर मेरे पास नहीं है तो मेरा आंसर क्या होगा नो आई हैव नॉट अगर मेरे पास इंग्लिश की कोई बुक है देन माई आंसर विल बी यस आई हैव ओके तो ये आंसर नहीं हो सकता दूसरी चीज मैंने आपको आपको बताई थी अभी कि इसमें क्या होगा कि हम अगर हमसे पूछा गया डिड से क्वेश्चन है तो डिड में ही आंसर होगा डू है तो डू में ही होगा तो यहां पे जो मेरा आंसर होना चाहिए देखिए नो आई हैड नॉट ये भी नहीं हो सकता नो आई डोंट ये भी नहीं हो सकता देन राइट आंसर विल बी बी सॉरी सी नो आई डिडंट ओके सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सेवन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन वेयर डू यू लिव सो विच वन इज द राइट ऑप्शन हेयर बेसिकली देखिए यहां इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि प्रपोजिशन जो लगी है क्या वो सही लगी है चलिए देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे इन इंग्लिश फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई पर्टिकुलर एड्रेस है देन आई यूज प्रपोजिशन एट एग्जाम्पल आई लिव एट वन सेवन जीरो सेक्टर थर्टी टू और बट एवर इट इज राइट सिमिलरली अगर मैं किसी बिग सिटी में रहता हूं आई लिव इन डेली ओके ऑन विकांट से तो यहां पर जो एंसर देखिए यहां पर जो एड्रेस दिया गया है वो कंप्लीट एड्रेस है तो so, यहां पे जो प्रपोजिशन यूज होगी दैट विल बी एट सो राइट आंसर विल बी फर्स्ट वन सो नेक्स्ट इज विच ऑफ फ्रेज इज गिवेन बिलो ईच सेंटेंस शुड रिप्लेस द अंडरलाइंड फ्रेज टू मेक इट ग्रामेटिकली करेक्ट इफ द सेंटेंस इज करेक्ट एज इट इज मार्क डी एज द आंसर इन दिस केस मेरे पास एक सेंटेंस है सेंटेंस में एक फ्रेज को हमने अंडरलाइन किया हुआ है राइट right? ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है राइट right? तो यहाँ पे देखिए एक ये कंप्लीट सेंटेंस है इसका कुछ पार्ट को इधर बोल्ड कर दिया जाएगा या अंडरलाइन कर दिया जाएगा फिर हमसे पूछा जाएगा नीचे जो ऑप्शन है कि क्या इनमें से कोई ऑप्शन है जो इसको रिप्लेस कर सकती है या हमें रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है तो ऐसे ये ऑप्शन होंगे वहां पे तो अगेन देखिए यहां पे फॉर एग्जाम्पल रमेश इज एज टाल इफ नॉट देन महेश डायरेक्टली आंसर <coughs> पे जाने से पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का देखिए थोड़ा सा आइडिया बता बताता हूं देखिए फॉर एग्जांपल जब भी हम ऐसा स्ट्रक्चर यूज करते हैं एज एज तो यहां पे जो मेरी एडजेक्टिव यहां पे जो एडजेक्टिव आती है फॉर एग्जाम्पल एज गुड एज एज स्ट्रॉन्ग एज तो ये जो एडजेक्टिव यहां पे जो एडजेक्टिव की डिग्री रहती है वो पॉजिटिव रहती है और स्ट्रक्चर क्या रहता है एज फिर पॉजिटिव डिग्री फिर एज आई गेस आपको हिंट मिल गया सो राइट आंसर इज यहां पर जो राइट right आंसर होगा रमेश इज एज ट एज इफ नॉट टालन महेश ओके लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर नाइन पहले जैसे ही सेम क्वेश्चन है तो यहां पर भी हमें एक फ्रेज को अंडरलाइन किया गया है और वहां से हमने देखना है कि क्या इनमें से कोई सेंटेंस या जो नीचे गिवेन ऑप्शन है क्या इनमें से कोई ऑप्शन इसको रिप्लेस कर सकती है सो लेट्स सी दे बोथ द सैंपल्स वेरी केयरफुली बट फेल टू डिटेक्ट एनी डिफरेंस इन देम यस सो ट सी दे एग्जामिंड बोथ द सैंपल वेरी केयरफुली बट फेल्ड टू डिटेक्ट एनी डिफरेंस इन देम सो राइट फ्रेज जो यहां पर यूज होनी है दैट इज एनी डिफरेंस बिट्वीन ओके डिफरेंस इन नहीं डिफरेंस बिटवीन यूज होगा सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द अप्रोप्रियट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द चॉइस इज गिवन बिलो राइट हेयर आई एम गिवन अ वर्ड एंड आई नीड टू फाइंड अप्रोप्रिएट मीनिंग फ्रॉम द गिवन वर्ड्स राइट सो माई वर्ड इज वेंटोसिटी गिवन वर्ड इज वेंटोसिटी और इसमें आंसर क्या होगा फिर इसका राइट, आई नीड टू फाइंड इक्विलेंट वर्ड हेयर वेंटोसिटी का जो अप्रोप्रिएट मीनिंग हो तो क्या होना चाहिए देखिए सबसे पहले है ह्यूमिलिटी देन परजर्वेरेंस देन प्राइड एंड डी इज डिस्क्वाइट सो फ्रेंड्स देखिए वेंटोसिटी जो वर्ड है इसकी अगर हम एटमोलॉजी चेक करते हैं तो ये बना है वेंट से राइट right? और वेंट का मतलब होता है टू टू एयर ठीक है हवा भरना फुलाना राइट right? और अगर इनको मैनर्स के में व्यक्ति तो किसी बंदे की किस तरह का बिहेवियर है या किस तरह से कोई बिहेव करता है उस सेंस में अगर हम बात करें तो वो आ जाएगा कि जैसे कुछ को, कोई अहंकारी हो राइट हु इज प्राउड ऑफ हिमसेल्फ राइट ऐसे ही फॉर एग्जांपल वेंटोसिटी यानी कि जो भी कोई पर्सन है अगर अहंकारी है तो वहां पे हम उसमें अहंकार ज्यादा है तो हम क्या कहेंगे वेंटोसिटी ओके सो इन दिस केस राइट आंसर विल बी प्राइड ओके सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर इलेवन इट इज फाइंड आउट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो Right. So, given word is insatiable, and uh, the right answer will be unsatisfiable. Okay. Next question is: find out the appropriate meaning of the given word from the choices given below. And the given word is in speed. So, what should be the answer here? See, I have options ruined, tasteless, unhealthy, and intolerant. So, see, when we talk about in speed, that means something tasteless, right? Just say. खाना है खाना है हम जैसे फॉर एग्जांपल कोई खाना है अगर वो टेस्टलेस नहीं है और फीका है या उसमें जैसे द फूड विच इज नॉट मच स्पाइसी वी कैन से इट इज इंस्पीड यानी कि टेस्टलेस सो राइट आंसर इज टेस्टलेस लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्टीन फाइंड आउट द अप्रॉपरेट मीनिंग अगेन वी नीड टू फाइंड प्रोपरीट मीनिंग एंड द क्वेश्चन इज द गिवन वर्ड इज एब्ज्योर इट इजीवन सभी आप में से काफी को इसका आंसर पता होगा एबजोर क्या होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जोर सोलेमनी रिनाउंस और जैसे फॉर सेक अगर जैसे हिंदी में बात करें तो जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी चीज का त्यागना तो इसी के हमने अप्रोप्रिएट वर्ड देखना है सेम मीनिंग वाला वर्ड हमें देखना है यहाँ पे तो क्या होगा फोर्स से आई गेस इजी था चलिए नेक्स्ट इज देखिए ये कुछ क्वेश्चन थे कि जो हमारे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पे आ सकते हैं एग्जाम में अब देखिए क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन एग्जाम में कितने क्वेश्चन आने की संभावना है एग्जाम में पांच से लेकर दस तक क्वेश्चन आएंगे तो जो क्वेश्चन होंगे ज़्यादातर जो पंजाब गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं उनमें जो इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं या तो उस उनमें फिलिंदी ब्लैंक्स पूछा जा सकता है या जैसे एडियम फ्रेजेस पूछा जा सकता है या फिर जैसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सो यही चार टॉपिक हैं जिनमें से एग्जामिनर क्वेश्चन डाल सकता है सो लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑन सेंटेंस इंप्रूवमेंट सो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इज नो सुनर आई सा द लिजार्ड धेन आई रैन अवे नो सुनर आई सा द लिजार्ड धैन आई रैन अवे एंड ऑप्शन आर एज सुन एज आई सा नो सुनर आई हैड सीन एंड थर्ड ऑप्शन इज नो सुनर डेड आई सी विच वन इज द राइट ऑप्शन हेयर यहां इंप्रूवमेंट की जरूरत ही नहीं है सो फ्रेंड्स देखिए जैसे आप में से कई बहुतों को तो इसका पता ही होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल एडवर्ब फॉर एग्जाम्पल जैसे नो सूनर रेयरली हार्डली राइट तो वहां पे सम टाइम हम रूल ऑफ इन्वर्जन का यूज करते हैं अगर सेंटेंस सेल्डम हार्डली नो सूनर से स्टार्ट होता है तो हम वहां पे इन्वर्जन का रूल इन्वर्जन का रूल अप्लाई करते हैं और रूल ऑफ इनवर्जन क्या है इसमें जो जो वर्ब है उसको हम सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं दैट मीनस के हम उसको इंटेरोगेटिव की फॉर्म में लिखते हैं परंतु वो इंटेरोगेटिव होता नहीं है सेंटेंस ओके okay? तो यहां पे जो राइट आंसर विल बी देखिए यहां पे ये जो ऑप्शन है ये नहीं होगी आंसर ये नहीं होगा सो राइट आंसर इज थ्री नो सुनर डिड आई सी द लिजार्ड देन आई रैन अवे ओके सो राइट आंसर इज थ्री देखिए ऐसे भी सेंटेंस हो सकता था ये नो सुनर हैड आई ओके तो ये इसको हम ऐसे भी कर सकते नो सुनर हैड आई सीन दिजार्ड देन आई रैन अवे देखिए फॉर एग्जाम्पल या तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा नो no सुनर डेड आई सी या तो इसको मैं पास्ट इंडेफिनेट में रखूंगा या पास्ट परफेक्ट के फॉर्म में रखते हैं तो आएगा नो सूनर हैड आई सीन राइट अब इसमें सेकेंड ऑप्शन में और इसमें यहां पर डिफरेंस है यहां पर रूल ऑफ इन्वर्जन नहीं लगा हुआ इसलिए यह ऑप्शन यहां पर ठीक नहीं रहेगी तो राइट आंसर इज थ्री आई गेस दिस इज क्लियर सो नेक्स्ट लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन द ऑफिसर गिव्स डिफरेंटली रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द वर्क इज इवन तो यहां पे देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है द ऑफिसर गिव्स डिफरेंटली यहां पे जो वर्ड यूज हुआ है राइट दैट इज एन एडवर्ब

दिस वर्कर इज द मोस्ट स्किल्ड ऑफ ऑल ऑफ ऑल अदर वर्कर्स इन अवर फैक्ट्री सी यहां पे जो यूज हुई है हम यहां पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं दिस वर्कर इज द मोस्ट स्किल्ड ऑफ ऑल द अदर ऑफ़ ऑल द अदर वर्कर्स इन अवर फैक्ट्री सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर हेयर जब हमने कह दिया है द वर्कर इज द मोस्ट स्किल्ड फिर हमें ये लगाने की जरूरत नहीं है यहां पे ऑफ ऑल द अदर्स वर्कर्स ओके सो व्हाट विल बी द आंसर इस फ्रेज को हमने क्या करना है रिप्लेस कर देंगे और राइट right आंसर होगा दिस वर्कर इज द मोस्ट स्किल्ड वर्कर इन आवर फैक्ट्री ओके सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन ऑल थैंक्स टू गॉड संजे बियर्ड स्केप द फैटल एक्सीडेंट अगेन यहां पर हमें क्या चाहिए एडवर्ब चाहिए तो यहां पर देखिए क्या आएगा बियर्ड की जगह पर क्या आएगा बियरली राइट सो आंसर विल बी अकॉर्डिंगली barely escaped okay so let's move to question number 18 in the past 16 years many people have changed their preferences of framing to manufacturing we need to replace this phrase

गवर्नर एंड हिज सबोर्डिनेट्स वॉच दैट द कंट्रेक्टर वॉज नोन बाय देम फोर ट्वेंटी फाइव लॉन्ग इेरी इजी राइट सो नॉन के साथ जो प्रपोजिशन आती है नॉन टू आता है तो राइट आंसर विल बी द गवर्नर एंड हिज सबोर्डिनेट्स वाउच दैट द कॉन्ट्रेक्टर वॉज नॉन टू दैम एंड इन द given answer given options right answer is a okay so let us discuss question number 20 i shall not go until i am invited underlined phrase is until i am what is the phrase here until i am बट बट शुड बी द राइट आंसर सी फ्रेंड्स देखिए अनलस को हम कब यूज करते हैं और अनटिल को हम कब यूज करते हैं और टिल को हम कब यूज करते हैं यह हमें पता होना चाहिए ओके फॉर एग्जाम्पल I shall not go. देखिए अगर फॉर example अगर किसी कंडीशन की बात होती है कंडीशन कोई सिचुएशन की बात यूज होते है, करते हैं तब हम यूज करते हैं अनलेस जब टाइम की बात हो रही होती है किसी इवेंट की बात हो रही होती है उसके हम रेफरेंस में अगर कुछ कह रहे हैं तो हम यूज करेंगे अंटिल और टिल अब अंटिल को और अंटिल को हम कब यूज करते हैं अगर सेंटेंस में पोज देखिए पहले ही हम कह रहे हैं आई शेल नॉट गो ट मीन्स नाउ आगे इसके बाद मेरा जो सेंटेंस रहेगा वो पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा और आंसर यहां पर जो आएगा दैट विल बी टिल आई एम इन्वाइटेड ओके सो फ्रेंड्स दीज बार फ्यू क्वेश्चन विच कैन ये ऐसे ही क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं क्योंकि जो मोस्टली जो टॉपिक्स होते हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं आर लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब पे कोई क्वेश्चन आ सकता है या फिल इन फिलहि ब्लैंक्स पे आ सकता है या जैसे पूरे ही ओवरऑल अगर ग्रामर की कंसेप्ट की बात करें तो वो सारा कुछ कवर हो जाता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में सो so ये चार टॉपिक हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं हमने कुछ क्वेश्चन देखे हैं यहाँ पे जिनके जैसे ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिल में आ सकते हैं सो so, और भी प्रैक्टिस करने के लिए वी हैव डिजाइंड वी हैव डिजाइंड अ टेस्ट सीरीज टू प्रिपेयर फॉर द प्रिंसिपल टेस्ट राइट तो आपने उस टेस्ट सीरीज को जरूर ट्राई करना है सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेस्ट विशेष